हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का सीन कुछ ऐसा है जो आप सभी के लिए बिल्कुल है। तो आज की इस खास वीडियो में नई चीज़ों को जानेंगे समझेंगे। जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं कि मैं उस समय मैं क्लब रोड कल्याणी के पास आ गया हूँ। जस्ट आपको एक सामने आगे दिख रहा है कल्याणी गोलम्बर है, जो मोती झील टावर चले जाते हैं। और मैं आपको इस वीडियो में नई चीज़ों को बताऊँगा, समझाऊँगा और उस शॉप पर जा रहा हूँ। जैसा कि आपको वीडियो में देख रहा है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो का असला कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा और मेरे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिए गए अदर चैनल के लिंक को भी विजिट कर सकते हैं, जिससे आपको एक नई जानकारी मिलेगी। फ्रेंड, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर के मैं उस म्यूजिक शॉप पर आ गया हूं, जहां आप संगीत से रिलेटेड जितने सारे वाद्य यंत्र आते हैं आप यहां आकर खरीद सकते हैं। और आप यहां सीख सकते हैं कि नहीं, जो इंस्ट्रूमेंट बजाना गाना और सारी यहां पर क्या फैसिलिटी है, जितने सारे इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिक का वहाँ, ऐसे सीरीज वगैरह और नया खरीद सकते हैं कि नहीं। अगर आपके इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक का अगर ख़राब हो गया तो आप यहां आकर रिपेयर करा सकते हैं कि नहीं। तो मैं यहां की जो शॉप ओनर, मैं उनसे बातचीत करता हूं। तो आप सभी वीडियो के साथ बने रहिए और इस वीडियो में आप सभी के लिए क्या नई फैसिलिटी है, तो मैं शॉप ओनर से बातचीत करता हूं। तो चलिए मैं उनसे बातचीत करता हूँ कि आप सभी के लिए क्या नई जानकारी है। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम उज्ज्वल हुआ। अच्छा उज्ज्वल जी, अभी हम लोग कहाँ पर हैं? अभी हम लोग हैं हरिसभा कल्याणी के बीच में। कल्याणी के बीच में आपकी आपकी शॉप का नाम है? सना म्यूजिक। साना म्यूजिक है। ये आपके यहाँ म्यूजिक से रिलेटेड किस किस तरह के वाद्य यंत्र आप रखते हैं और सारी क्या फैसिलिटी है, जो लोगों की जानकारी मिले आपकी शॉप से? जी, हमारे पास गिटार जो बिगिनर्स के लिए जो होते हैं गिटार, वो आपका 3000 से स्टार्ट हो जाता है, 3 से 5 के रेंज का वो है। उसके बाद अगर आप ब्रांड में जाएंगे तो हमारे पास आप वहाँ देख सकते हैं यामा का F280 भी है, हर्ट्ज का भी गिटार है। हमारे यहाँ म्यूजिक से रिलेटेड जो भी वाद्य यंत्र हैं, जैसे गिटार हो गया बिगिनर्स के लिए जो 3000 से स्टार्ट होते हैं, गिटार हो गया, गिटार से रिलेटेड उसके एसेसरीज जैसे आप ये स्ट्रिंग हो गए, कैपो हो गए, गिटार बेल्ट हो गए, ट्यूनर हो गए, और कीबोर्ड में भी हमारे पास सारे रेंज है कैसियो के, यामा के। उसके अलावा कीबोर्ड स्टैंड हो गया, कीबोर्ड बैग हो गया, ये सारे चीज़ भी अवेलेबल है हमारे पास। बांसुरी भी है हमारे पास, आप सिंगल स्टैंड कॉन्गो भी है, गिटार स्टैंड है, ये सारे चीज़ भी यहाँ पर अवेलेबल है। म्यूजिक से रिलेटेड हमारे पास और भी यंत्र हैं, जैसे कि आप पियानो पे जाएंगे, ग्रैंड पियानो हो गया, जो हमारे पास अवेलेबल नहीं, लेकिन अगर कस्टमर का डिमांड होता तो हम 2 से 3 दिन में उसको हम अवेलेबल करा देते हैं, जो भी चाहिए। अच्छा उज्ज्वल जी, बता आप थोड़ा ये दिखाइए कि आपकी शॉप में जो म्यूजिक शॉप है आपके यहाँ किस किस तरह के वाद्य यंत्र है, थोड़ा दिखाइए। तो यहाँ से देख सकते हैं ना, ये हमारे पास जो बिगनर्स के लिए है, कॉर्सन का हो गया, या ये बेबी गिटार हो गया, बच्चों के लिए हो गया, इधर भी गिब्सन है, ये भी गिब्सन है। अगर आप ब्रांड में जाते हैं तो हमारे पास यामा का है, हर्ट्ज का है, कॉट का है, इलेक्ट्रिक में जाते हैं तो यामा का है, फेंडर का है। अच्छा, आपके पास किस किस तरह के और कितने तरह के गिटार है? जी, हमारे पास बिगनर्स के लिए आप देख सकते हैं कि गॉडसन हो गया, ये जैसे कि आप देखते, इसमें वॉल्यूम टोन वाला है, इसमें एक प्लेन भी आता है जिसमें वॉल्यूम टोन नहीं रहता है, दोनों के रेट में थोड़ा डिफरेंस होता है। बच्चों के लिए आप जाए। अच्छा, इसका प्राइस रेंज किस किस रेंज का आता होगा? ये 3000 से स्टार्ट होकर 5000 के बीच का, ये बिगनर्स के लिए जो आते हैं। जी, ढंग से क्वालिटी चेंज होने पर प्राइस प्राइस भी वो डिफर करता है। ये बच्चों के लिए बेबी गिटार हो गया, अगर छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए बेबी गिटार हो गया। अच्छा, इसमें और सारे छोटे बच्चों के लिए गिटार आता होगा? जी, और आते हैं, अभी हमारे पास ये जो डिस्प्ले में है, और हमारे पास और भी सारे गिटार है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे जिप्सन का हो गया, यहाँ पे कैडेंस का हो गया, फिर अगर आप सेमी अकोस्टिक में जाते हैं तो ये हमारे पास ये हर्ट्ज का है, आप देख सकते हैं ये हर्ट्ज का है सेमी अकोस्टिक, ये हमारे पास ट्यूनर वगैरह सब कुछ इसमें अवेलेबल है। अच्छा, इसमें इसका क्या क्या फीचर है? ये आप गिटार ट्यून इसी से कर सकते हैं, आपको किसी ट्यूनर को अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, सारे कुछ आपको इसी में है। और प्योर अकोस्टिक में जाएंगे तो यामा का ये हमारे पास है F280। ये बताइए उज्ज्वल जी, इसका प्राइस क्या होगा? ये यामा का जो F280 है इसका 6990 है, और ये 9000 के आसपास है। ये तो आपने देख लिया सेमी अकोस्टिक जो हो गया, आप इलेक्ट्रिक में भी हमारे पास यामा का हो गया, फेंडर का हो गया, ये आप देख सकते हैं, जैक वगैरह सब इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ से आप जैक लगा करके, यहाँ वॉल्यूम टोन हो गया, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हमिंग के लिए यूज़ करते हैं, स्टेज शो में अगर आप जाते हो तो हमिंग
के लिए इसको आप स्टेशियो में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें किस किस प्राइस रेंज का आपके पास इलेक्ट्रिक वाला गिटार आपके पास होगा? इलेक्ट्रिक वाले गिटार हमारे पास 9,000 से लेकर के 15,000 के रेंज में, यामा का हो गया, फेंडर का हो गया, जो भी कस्टमर डिमांड करेंगे आप। जी, अगर मेरे पास जो नहीं है, अगर कस्टमर डिमांड करते हैं तो उसको हम अवेलेबल करा देते हैं। अच्छा, इसके बाद गिटार के अलावा आपके पास और सारे क्या वाद्य यंत्र? जी, मेरे पास आप कैसियो भी देख सकते हैं, कीबोर्ड हमारे पास हर रेंज के हैं, 2550 से लेकर के कैसियो का 9,000 तक अवेलेबल है। यामा में गएंगे 273 से लेकर के i400 i500 वो सारे अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कैसियो का 2550 मॉडल हुआ, ये कैसियो का 2550 मॉडल हुआ, इसका MRP हो गया 7,990। देख सकते हैं पहले से ज़्यादा अपग्रेड करके, जो पुराना मॉडल था बंद करके अब नए मॉडल लॉन्च किए हैं, जैसे ये 2550 से पहले से ज़्यादा फीचर हो गया, और ये 5 ऑक्टेव में आता है 61 की के साथ, यहीं से कैसियो का ये स्टार्ट भी होता है प्राइस। अच्छा, ये प्रोफेशनल भी यूज कर सकता है, लोग अपने घर में बजाने के लिए भी खरीद सकता है? ये बिगनेस स्टार्टिंग वास्ते परफॉर्मेंस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सीखने के लिए ज़्यादातर यूज होता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग रेंज हो जाता है कैसियो का सीखने के लिए। अच्छा उज्जवल जी, आपके पास कितने तरह के कैसियो वगैरह है? मेरे पास कैसियो का सारा रेंज अवेलेबल है, आप बच्चों के लिए SA78 से लेकर के 9,000 तक मेरे पास सारा कुछ अवेलेबल है कैसियो का। अच्छा, ये बताइए, आपके पास बच्चे का जो कैसियो है, जो आप दिख रहा है, ये किस प्राइस रेंज का है? ये 4,000 के आसपास है। 4,000 का। जैसे आपने कैसियो देख लिया हमारे पास, आप देख सकते हैं ये सिंगल स्टैंड कॉन्गो भी है, अवेलेबल है। अच्छा, ये कितने तरह का कॉन्गो आता होगा? कैंगो ये सिंगल स्टैंड हो गया, जैसे कि आप इसको अगर खड़े होकर बजाना चाहते हैं तो इसको हाइट कर सकते हैं, बैठ के बजाना तो सिंगल स्टैंड यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं, दिया दिया हुआ। और अगर इससे कम प्राइस में आता है 4 स्टैंड, तो उसको आप सिर्फ बैठ के बजा सकते हैं, आप खड़े होकर नहीं बजा सकते। लेकिन इसमें क्या फीचर है कि आप अगर स्टेज पर बजा रहे हैं तो आपको खड़े होकर बजाना है, तो ये सिंगल स्टैंड इसको आप हाइट करके खड़े होकर बजा सकते हैं, से लेकर 9,000 का प्राइस में अवेलेबल है। अच्छा अच्छा, अब ये कॉन्गो हो गया, आप एसेसरीज में आप देख सकते हैं, इसे हमारे पास आपका गिटार स्टैंड हो गया। अच्छा, स्टैंड हो गया, ये गिटार स्टैंड हो गया। अच्छा, स्टैंड आपके किस प्राइस रेंज के आता होगा आपके यहाँ? किस किस 400 से लेके 1,000 के रेंज में अवेलेबल रहता है मेरे पास। अगर आप बेस गिटार अगर आप यूज़ करते हैं तो बेस गिटार का स्ट्रिंग भी मेरे पास अवेलेबल है। अच्छा, अगर कोई बेस गिटार है, अगर आप एडाप्टर में यामा यूज़ करते हैं तो यामा का एडाप्टर भी है, जिसका एडाप्टर ख़राब हो गया तो यहाँ से परचेस कर सकते हैं। और गिटार एसेसरीज में भी हमारे पास लूज स्ट्रिंग से लेकर के सारे सेट अवेलेबल है, जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास ये गिटार का कैपो हो गया, कैपो है ये, जी ये कैपो हो गया, ये ट्यूनर हो गया, ये गिटार बेल्ट हो गया, उसके बाद आप ड्रम स्टिक, पैड स्टिक, ये अवेलेबल है हमारे पास। कैसियो का अगर एडाप्टर आपका ख़राब हो गया तो अलग से परचेस भी कर सकते हैं एडाप्टर को कैसियो का। और स्ट्रिंग में अगर जाते हैं तो हमारे पास DiDario का स्ट्रिंग सेट भी अवेलेबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं DiDario का हमारे पास भी सेट अवेलेबल है। लूज में अगर जाते हैं, जैसे सिंगल स्ट्रिंग है वो, तो सारे सिंगल स्ट्रिंग में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे वो अवेलेबल है। जैसे आप बैग भी देख सकते हैं हमारे पास, गिटार का बैग अवेलेबल है, कीबोर्ड का भी बैग सेट वो भी अवेलेबल है। किस किस तरह के, कितने प्राइस रेंज के आपके पास है? मेरे पास बैग, अगर आप गिटार बैग में जाते हैं तो 350 से लेकर के 1200 तक अवेलेबल है हर प्राइस में। और की पैड का? और वो भी आपका 400-500 से लेकर के 1000-1200 तक में अवेलेबल है। कि गिटार बेचते हैं और सारी वाद्य यंत्र आप बेचते हैं, इसके अलावा एसेसरीज भी आपने दिखाया, इसके अलावा आपकी शॉप में लोगों के लिए, कस्टमर के लिए क्या नई जानकारी है? जी, नई जानकारी जैसे आपका गिटार अगर डैमेज हो गया या कुछ ख़राब हो गया तो यहाँ पर रिपेयरिंग भी अवेलेबल है। अगर आप कुछ इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं, जैसे गिटार, कैसियो, ऑक्टापैड और भी जो भी है, तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पे क्लासेस वगैरह भी चलते हैं। इसके अलावा अगर आप पार्टी फंक्शन में अगर प्रोग्राम चाहते हैं, कुछ बैंड चाहते हैं, तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, बर्थडे पार्टी हो या शादी हो, उसके लिए भी आप मेरे शॉप पर आकर या मेरे नंबर पर आप फोन करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं। ये पूरी टीम के साथ आप लोग जाकर परफॉर्मेंस करते हैं? पूरी टीम के साथ परफॉर्मेंस करते हैं। कितने तरह के प्रोग्राम आप लोग करते होंगे? लगभग हर तरह के प्रोग्राम होते हैं, जैसे बर्थडे पार्टी हो गई, शादी में हो गया, या जो भी कस्टमर की डिमांड हो आप लोग पूरा परफॉर्मेंस अपना देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप आकर इसका भी लाभ आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि इस वीडियो में कि म्यूजिक से रिलेटेड आप जितने सारे वाद्य यंत्र आते हैं, इंस्ट्रूमेंट आप खरीद सकते हैं, रिपेयर करा सकते हैं, एसेसरीज वगैरह हैं, और यहाँ पर आप
आकर म्यूजिक की जितने सारे इंस्ट्रूमेंट है आप बजाना सीख सकते हैं। आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर से आकर इनसे संपर्क कर और इस शॉप में जितनी फैसिलिटी है उसका आप लाभ ले सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।